हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ब्यूटीफुल सा आई मेकअप। यह है सिल्वर ग्लिटर स्मोकी आई मेकअप लुक। आप इस लुक को चाहे तो किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं, चाहे लहंगा हो या फिर साड़ी हो। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है एंड ये करने में बहुत ज़्यादा ईजी है गाइस। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। वीडियो को पूरा देखना, आई होप आपको पसंद आएगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं बहुत सारी वीडियो इसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी स्टूडेंट है और इन्हीं के ऊपर मैं पूरा लुक क्रिएट करूँगी। अभी हम इनका फेस को करेंगे क्लीन। तो जब भी आप मेकअप करें, पहले आपको मेक श्योर कर लेना है फेस एकदम क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल भी कोई डस्ट फेस पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इनको लेंस पहना रहे थे। और मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, अगर आपने कभी लेंस नहीं पहने और आप चाहते हैं कि आप पार्टी में थोड़ी सी अलग नज़र आएँ, डिफरेंट नज़र आएँ हर दिन के अकॉर्डिंग, है ना, तो आप लेंस पहन के ज़रूर देखना, आपका पूरा का पूरा लुक चेंज हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर पहन के देखना, बहुत अच्छा लगता है गाइज। आपकी जो आइज़ है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। तो लेंस ज़रूर पहन के देखना। फर्स्ट टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पानी आता है आँखों से, बट थोड़ी देर में वो सेटल हो जाता है। तो अभी मैं आईब्रो से स्टार्ट करूँगी। इसके लिए मैंने लिया है ब्रो पाउडर। नेचुरल सी ही शेप दूँगी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करूँगी। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक मत करना, बहुत ज़्यादा फेक लगती है ना। ब्राउन कलर से ही आप फिल करना जब भी आप करें। तो फिल करने के बाद मैं इस फूले से सेट कर दूँगी। सेट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लिया है क्रायलोन का पेस्ट। ये है क्रायलोन का एफएस 24 नंबर है। और इसी से आईब्रो को मैं नीट एंड क्लीन करूँगी और पूरी आईलिड पर एक बेस बना लूँगी। तो आप इसकी जगह चाहे तो कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं, आपके पास कंसीलर हो कंसीलर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो एक फ्लैट ब्रश मैं इस तरीके से पूरी आईलिड पे लगा दूंगी। तो आप जब भी आई मेकअप करें, आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका जो मेकअप है ना, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा उभर करके आता है। आप जैसा कलर पिक करेंगे आई शेडो का, सेम वैसा ही आएगा, है ना। तो आप बेस लगाना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाउंडेशन का एक बेस बना लीजिए, है ना। आईब्रो को इस तरीके से नीट एंड क्लीन कर लीजिए, तो आप देखेंगे आईब्रो की जो शेप है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा इजी है, बट प्रैक्टिस करने की देर है, आपको बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, बट तीसरी बार वो आ ही जाएगा, ठीक है। बेस बनाने के बाद हमने कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट किया था। फिर उसके बाद मैंने लिया है बहुत ही लाइट सा कलर, एक स्किन कलर है मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट से, और मैंने फ्लफी ब्रश में लिया है और आउटर कॉर्नर से स्टार्ट कर रही मैं। तो जब भी आप स्मोकी लुक क्रिएट करें ना, आपको लाइट से लाइट कलर लेना है, फिर आपको थोड़ा डार्क फिर डार्क फिर डार्क पे जाना है, डायरेक्ट आपको डार्क कलर नहीं लेना, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया है, फिर उससे मैं डेप्थ दे रही हूँ, आप देख लीजिए। इस तरीके से आउटर कॉर्नर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। आप जब भी आई मेकअप करें, आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करें, देन आप अंदर की तरफ आइए, ठीक है। और अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने लिया है ब्लैक कलर। पहले मैंने लिया बहुत लाइट सा स्किन कलर, फिर मैंने ब्राउन कलर, फिर अब मैंने यहाँ पे लिया है ब्लैक कलर, ठीक है, क्योंकि हमें डेप्थ देनी है। अगर आप डायरेक्ट ब्लैक कलर ले लेंगे तो वो लुक नहीं आएगी जैसे इस तरीके से आती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से ही करना, हल्के इस कलर से स्टार्ट होना, फिर धीरे 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 डार्क कलर पर जाना। तो आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना है, हमने कॉर्नर से स्टार्ट किया है, जो क्रीज लाइन होती है वहीं तक मैंने इसको ब्लेंड किया है, ठीक है। तो हमें कॉर्नर एक स्मोकी लुक क्रिएट हो गया एंड फ्रंट का भी जो बचा है, आप देख लीजिए मैं क्या करूँगी। आपको ब्रश लेना है, ठीक है, जब भी आप स्मोकी लुक क्रिएट करते हैं आउटर कॉर्नर के लिए आपको फ्लफी ब्रश लेना है, ब्लेंडिंग के लिए फ्लफी ब्रश लेना है, एंड जब लिड्स पे लगाते हैं तो आपको फ्लैट ब्रश लेना है, ठीक है। अभी मैं लिड पे लगा रही हूँ। सिल्वर सा कलर है, बहुत प्यारा कलर है ये, वाइट और सिल्वर का कुछ कुछ कॉम्बिनेशन है। तो उसको मैं इनर कॉर्नर से लेके सेंटर तक लगाऊंगी, है ना, पूरा बाहर तक नहीं जा रही हूँ, इनर कॉर्नर से लेके सेंटर तक इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, कोई भी कलर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस इसको रख दिया, रखा हुआ सा नहीं होना चाहिए, ब्लेंडिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, एक दूसरे से कलर मिक्स होने चाहिए, ठीक है। आप देख लीजिए, ये हमारा स्मोकी लुक क्रिएट हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये है मेरा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट मेरी पैलेट है, मिस रोज़ की ग्लिटर पैलेट। यहाँ पे मैंने सिल्वर सा कलर लिया है और जो मैंने सेंटर से लेके इनर कॉर्नर पे जो कलर लगाया था ना, उसी के ऊपर मैं इसको अप्लाई कर दूँगी। आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं बिना ग्लिटर के भी,
सो गाइज, ग्लिटर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है ब्लैक कलर, बिकॉज मुझे थोड़ा सा डार्क स्मोकी लुक क्रिएट करना है, तो मैंने लिया है पेंसिल ब्रश। और ब्लैक कलर जो मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट से लिया है। जब भी आप आउटर कॉर्नर को स्मोकी लुक क्रिएट करें, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो आपका कलर है वो बिल्कुल मैट होना चाहिए, उसमें कोई ग्लिटर शाइनी कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल मैट होना चाहिए और आपकी ब्लेंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आपको इसका खास ध्यान रखना है, कोई भी कलर रखा हुआ सा नहीं होना चाहिए, मैं हर बार यही बोलती हूँ, ठीक है। तो ब्लैक कलर हमने अप्लाई कर दिया। इसके बाद मैंने लिया है फ्लफी ब्रश में, बहुत ही प्यारा सा कलर है, प्याजी पिंक कलर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसको मैं क्या कर रही हूँ, क्रीज लाइन में इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, सारे कलर आपस में ब्लेंड हो जाएंगे एंड काफ़ी अच्छी से लगेगी आईज। आपको भी इसी तरीके से करना है, ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आप चाहे तो पिंक की जगह आप ब्राउन कलर भी ले सकते हैं, लाइट ब्राउन कलर से ब्लेंडिंग कर सकते हैं, है ना, आप लाइट ऑरेंज कलर की कलर से भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको यही सेम कलर चाहिए, है ना। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है ब्लैक कलर का आईलाइनर। आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, चाहे आपको विंग लगाना हो या फिर नॉर्मल लाइनर लगाना हो, ठीक है। तो लाइनर लगाने के बाद हमने यहाँ पे लगा दी है आईलैशेस। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम आप कौन सी ग्लू यूज़ करती हैं, सो गाइज़ मैं पैक का भी ग्लू यूज़ करती हूँ एंड मोस्टली तो मैं मिस क्लेयर के ग्लू यूज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे वो रीजनेबल लगता है एंड अच्छा भी है, हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा आई मेकअप डन एंड देख लीजिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी हमने इनका फेस मेकअप नहीं किया है, फेस पे कोई बेस नहीं लगाया, पहले आई मेकअप कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद हम फेस का जो है मेकअप करते, मीन्स बेस यूज़ करते। और अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ आई मेकअप पे मैंने फोकस किया है कि बहुत डीपली अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को आई मेकअप बता दूँ। तो अभी मैंने क्या किया है, पेंसिल ब्रश में मैंने ब्राउन कलर लिया है और उसको लोअर लैश लाइन पे इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस आपको भी सेम ऐसे ही करना है, सिर्फ ऊपर आईज के ऊपर आई मेकअप करके नहीं छोड़ना, आपको लोअर लैश लाइन पर भी ध्यान देना है, बिकॉज उससे आंखें बहुत खूबसूरत लगती है एंड काफ़ी बड़ी बड़ी लगती है, है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। तो वही सेम पिंक कलर जो मैंने ऊपर ब्लेंड किया था, ठीक है, वही मैं नीचे लोअर लैश लाइन पर भी ब्लेंड करूँगी इस तरीके से। एंड गाइस अगर अच्छा हाँ, यहाँ पे हम काजल के लगा जगह पे क्या लगा रहे हैं, एक्चुअली मेरे पास ना वाइट काजल था नहीं उस समय पे, तो मैंने क्या किया है, जो क्रायलोन की टीवी पेंडिस्टिक आती है उसी में से लाइट कलर लिया है फाउंडेशन का, और मैं काजल वाली लाइन में इस तरीके से लगा रही हूँ। तो आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास काजल नहीं है तो, है ना। फिर मैंने यहाँ पे लगाया है मस्कारा और इनका जो आई मेकअप है पूरा का पूरा डन हो गया है। एंड गाइज आप देखना चाहते हैं इनका हमने जो फेस पे कौन सा बेस यूज़ किया है, किस तरीके से किया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, मेरे चैनल पे इनकी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। और इनका हमने बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल बनाया था, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। एंड ये है इनका पूरा का पूरा लुक, आप देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। गाइस इस वाले आई मेकअप को ना आप लहंगे पे, साड़ी पे, इवन तो आप ब्राइडल को भी ये वाला आई लुक दे सकते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। और इनकी आंखें आप बताइए कैसी लग रही हैं, सुंदर लग रही है ना। गाइस आप ना कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया करें, बिकॉज मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट को रीड करना, है ना, एंड मैं मोस्टली कमेंट के रिप्लाई करती हूँ। एंड देख लीजिए आप, ये इनका पूरा का पूरा लुक है। गलती कर दी हमने कि इनको हमें ड्रेस भी वेयर करानी चाहिए थी, कुछ साड़ी या फिर लहंगा, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम पूरा का पूरा लुक लेकर के आएंगे। एंड देख लीजिए बैक से इनका जो हेयर स्टाइल कुछ ऐसे था, हमने इनके बालों में एक्सटेंशन लगाई है एंड आगे से हमने इनको रोल करके कुछ मैसी सा हेयर स्टाइल दिया है। गाइज इनका हेयर स्टाइल बहुत सुंदर लग रहा था, आप देखना चाहते हैं हमने कैसे किया तो आप मेरे चैनल पर जाना, इनकी वीडियो को हमने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, तो आप जाके चेक ज़रूर करना, है ना। और आप बताइए इनका हेयर स्टाइल और मेकअप कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक अगर आप वीडियो देखी है तो इसका मतलब आपको अच्छी लगी है। और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ख्याल रखना अपना।